92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनुरोध के साथ। 92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ रिचा अनुरोध। और हमारी जान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? हवा और पानी। हवा दिल्ली की प्रदूषित हो गई है और पानी की किल्लत की जो हालत है वो तो हम खबरें पढ़ रहे हैं कि कैसे लोग सड़कों पर उतर आए हैं, कहीं दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर्स रोके जा रहे हैं, लोगों को गुस्सा बहुत है। इस पूरे दिल्ली मेरी जान में हम बात कर रहे हैं पानी की, कैसे हमें और आपको को पानी बचाना है और कैसे अपने शहर में नाला बन चुकी यमुना नदी को बचाना है। मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं मनोज मिश्रा जी। यमुना जी अभियान चलाते हैं, नाम से समझ में आता है कि कोशिश है कि जो मर रही है यमुना वो जिए। कैसे होगा ये? मनोज जी गुड मॉर्निंग। मनोज जी आपको याद होगा कि 2014 में खबर आई थी कि ये जो जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी है उसके सीनियर ऑफिशियल ने कहा था कि 2017 तक यमुना में स्विमिंग भी कर सकेंगे और यमुना का पानी भी पी सकेंगे। 2016 तो आ गया, कुछ होता दिख रहा है आपको? ये जो भी उन्होंने कहा था वो तो माहौल के रूप में ही देखा जा सकता है, ज्यादा कुछ नहीं है। एनजी ने जो एक टाइमलाइन फिक्स की थी 2015 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2017 तक हर हालत में नदी की स्थिति पूरी तरह से ठीक हो जाना चाहिए। अब हम हैं जून 2016 में, अभी भी तक कुछ भी नहीं हुआ। आज क्या हो रहा है कि सीवेज जो है वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन में फ्लो कर रहा है। इस जजमेंट में कहा था कि सीवर सिस्टम एंड स्टॉर्म वाटर सिस्टम शुड बी टोटली सेपरेटेड, और ये एक बार हो जाता है तो फिर यमुना में जो दूषित पानी आ रहा है उसकी समस्या का निदान हो जाएगा। देखिए इस नदी के लिए प्लानिंग का स्टेज खत्म हो गया है, अब स्टेज है एक्शन का। जब एनजी ने एक रोड मैप आपको दे दिया तो आपको नया रोड मैप बनाने की क्या जरूरत है? उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश तो की है। इस शहर में जितने एसटीपी हैं, जी एसटीपी यानी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स, अगर आप एग्जिस्टिंग एसटीपी को ही ठीक कर लीजिए, कुछ तो काम ही नहीं कर रहे हैं, जो काम भी कर रहे हैं वो अपने 50% एफिशिएंसी से ज्यादा नहीं कर रहे हैं, कोई ठीक कर दीजिए, यमुना की 75% पॉल्यूशन प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए, मतलब सबसे जरूरी यमुना को बचाने के लिए जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं दिल्ली के, उन्हें ठीक किया जाए ताकि वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकें। मनोज जी आपसे जानना चाहूंगी कि हम सब दिल्ली वाले अपनी यमुना को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, और साथ ही हमारे पानी की कितनी जरूरत यमुना से पूरी होती है। लेकिन एक सवाल जो हमेशा मन में रहता है ना कि यमुना की सफाई के नाम पर जो हजारों करोड़ रुपए सैंक्शन किए जाते हैं, ये जाते कहाँ? और इस सवाल पर सारी जो मिस्ट्रीज है ना, इन पर से पर्दा हटाएंगे। दिल्ली वाले अब अपनी यमुना की सफाई की जिम्मेदारी खुद भी उठाएंगे। यमुना तो छोड़िए, घर में पानी बचाने के लिए आप क्या करते हैं? कॉल लगाकर बताइए मुझे। 3992797 मेरा नंबर है। यह दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ रिचा अनुरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनुरुद्ध। बात हो रही है पानी बचाने की और अपनी नदी यमुना को बचाने की। मेरे साथ जुड़े हुए हैं यमुना जिए अभियान से मनोज मिश्रा जी। मनोज जी एक बात बताइए तो, हम चाहेंगे आप हम सब दिल्ली वालों को समझाएं पीने के पानी की कितनी हमारी जरूरत यमुना से पूरी होती है। पीने के पानी की हमारी जो जरूरत है वो करीब 60-65% वो यमुना से मिलती है। बहुत लोग ये समझते हैं कि जो दिल्ली में यमुना है उससे हम पीने का पानी लेते हैं। नहीं, दिल्ली में यमुना तो है ही नहीं, नाला हो गया बिल्कुल। तो उस पानी को तो आप निकाल के पीने के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो आपका अपना रिजेक्ट पानी है, आपका सीवेज है वो। इस नदी का पानी दिल्ली से 200 किलोमीटर पहले निकाल लिया जाता है। यमुना तो इस शहर को 60-65% पानी दे रही है, पर वो ये यमुना नहीं है जो दिल्ली में आप देख रहे हो। ये मिलता था 60-70s तक। यमुना 1400 किलोमीटर की है, उसमें से 22 किलोमीटर अर्बन दिल्ली है, वजीराबाद बैराज और ओखला बैराज के बीच में। ये जो 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये 80% से ज्यादा पोल्यूटेड, पोल्यूशन जो यमुना को मिलता है वो यहाँ से है। उसके बाद फिर और शहरों का नंबर आता है जिसमें मथुरा है, आगरा है, ये सब है। मनोज जी हम लोग हमेशा दिल्ली मेरी जान में हमारा फोकस ये होता है कि जो सरकार की जिम्मेदारी है, जो अथॉरिटीज की है वो तो है, लेकिन हम दिल्ली वालों की क्या जिम्मेदारी है? दिल्ली वालों के लिए आपका क्या मैसेज है? वो ये है कि जिस प्रकार से हम इसको प्रदूषित होने के बावजूद हम इसमें अपना जितना भी रिलीजियस लेफ्ट ओवर्स हैं, जिसमें
हमारे पूजा की सामग्रियां हैं, वो जिस तरह से हम फेंकते हैं, जिसको कि ऑफिशियली रेस्ट्रिक्ट किया गया है। अरे मनु जी, जालियां लगी हैं, लोग उसको भी काट लेते हैं सामान फेंकने के लिए। तो थोड़ा सा सोचें कि हम क्या कर रहे हैं और हम किस चीज में कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, वी हैव टू टेक द लीड। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। सिर्फ आपसे चलते चलते एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, करोड़ों अरबों रुपए मुझे लगता है यमुना की सफाई के नाम पर खर्च अभी तक हो चुके हैं, आपको उम्मीद है कि इस नदी को ये शहर बचा पाएगा? वैसे तो एक आशा की किरण है कि जो अभी नए जल मंत्री हैं दिल्ली के, वो ऐसा लगता है कि 24/7 वो यमुना के बारे में सोचते तो हैं कम से कम। कर कितना पाते हैं वो आगे देखा जाएगा, पर सोचते तो हैं। ऐसे अगर उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे सोचने लगे तो वाकई बदलाव आ सकता है। चलिए तो आज हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे, लेट्स बी होपफुल कि कुछ ना कुछ बदलाव 2017-2018 तक। कपिल मिश्रा भी कहते हैं कि अगले 2-3 साल में हम यमुना को साफ कर देंगे। सो इसी होप के साथ थैंक यू सो मच मनोज मिश्रा जी। चलिए तो उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है, हम सब लोग कोशिश करें मिलकर और सरकार कोशिश करे तो यमुना को हम सब बचा सकते हैं। यमुना को बचाना है और पानी भी तो बचाना है, एक एक बूंद जरूरी है। आप लोग पानी बचाने के लिए क्या करते हैं, कोई इनोवेटिव आइडिया आपने अपने घर में या दफ्तर में अपनाया है तो मुझे कॉल लगाकर शेयर कीजिए 3992-7927 पर। यह दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ रचान रुद 92.7 बिग एफएम पर। वेरी गुड मॉर्निंग 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ रचान रुद। और आज मैंने आपसे सवाल पूछा है कि अपने घर में दफ्तर में पानी बचाने के लिए आप लोग क्या क्या आइडियाज अपनाते हैं, सुनते हैं। मेरा नाम परवेश कुमार है, मैं रेवाड़ी से बोल रहा हूँ। और पानी बचाने के लिए मेरी मदर जो करती है वो आरओ के पानी से प्लांट में पानी देती है, और वॉशिंग मशीन का जो पानी बचता है उससे घर की सफाई के लिए इस्तेमाल करती है। मेरा नाम प्रेरणा है। पानी बचाने के लिए अपने लेवल पर मैं पानी हमेशा स्टोर करके रखती हूँ। तो मैंने सबको बोल रखा है कि आप प्लीज अपने अपने टैप्स इंश्योर करिए कि लॉक हैं, एंड देयर इज ऑलवेज मोटर के स्विचेस ऑफ होने चाहिए। बगल वाले घर में जब वो उनका मोटर चलता तो पानी, जैसे बहुत आम चीज है कि पीछे की गली में पानी गिर रहा होता है, तो इनफैक्ट उन लोगों को उनके फ्लोर तक आइडेंटिफाई करना कि प्लीज अपना पानी बंद करिए, सो मच वेस्ट इज हैपनिंग। आरडब्ल्यूएस के जो पार्क्स होते हैं वहां पे माली बहुत आराम आराम से पानी भर भर के पानी वेस्ट हो रहा है, रोड पे बह रहा है, उनको बोलना कि भैया प्लीज आप इस तरह से मत करो, थोड़ा किफायत से काम करो। सो दैट इज व्हाट आई डू एट माय लेवल। गाजियाबाद से संगीता बोल रही हूँ। जो भी सब्जी दाल चावल वगैरह मैं धोती हूँ उसका पानी भी इकट्ठा करके मैं पौधों में डालती हूँ, प्लस जो मशीन में पानी यूज होता है उसको भी मैं बकेट में इकट्ठा करके उससे मैं अपने घर में धुलाई वगैरह कराती हूँ। प्रवेश जी, संगीता, प्रेरणा, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल लगाकर अपने आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। आरओ का एक्स्ट्रा पानी बचाया जा सकता है, वॉशिंग मशीन का पानी बचाया जा सकता है, सब्जियां धोकर पानी को बचा सकते हैं और उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। कितने बढ़िया आइडियाज हैं। उम्मीद है बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं वो भी इन आइडियाज पर अमल करेंगे। रुकूंगी ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताऊंगी हमारी एक अनोखी कैंपेन सुट्टा छोड़ दे यार के बारे में। सुनते रहिए दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर, मैं हूं आपके साथ रचान रुद। तीन खास लोग हैं जो बिग एफएम के ऑफिस आए हैं, किस लिए? हमारा चैलेंज सुट्टा छोड़ दे यार लेने के लिए। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचान रू। तो कल 31 मई था, वर्ल्ड नो टोबैको डे होता है, और हम सब जानते हैं अब तो कहने की जरूरत नहीं कि सिगरेट तंबाकू हम सबकी सेहत के लिए कितनी 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 नुकसानदायक होती है। 92.7 बिग एफएम पर हम एक चैलेंज देते हैं लोगों को, 72 घंटे तक सिगरेट ना पीने का चैलेंज। तो इस साल तीन लोगों ने इस चैलेंज को कबूल किया है, कर्नल संजीव गुप्ता, अजीत सिंह और सुभाशीष। आज इन तीनों का मेडिकल और फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद अगले 72 घंटे तक ये लोग सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि कुछ स्टडीज शायद ऐसा कहती हैं कि अगर आप 72 घंटे तक सिगरेट नहीं पिए तो उसकी जो क्रेविंग होती है वो काफी हद तक कम हो सकती है। और हमारा मकसद तो ये है कि भैया तीन लोग सिर्फ 72 घंटे नहीं, उसके बाद भी कभी सिगरेट ना पिए। और अगर आप लोग भी सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो भाई इन लोगों से इंस्पिरेशन लीजिए, जुड़िए हमारे साथ, सुनिए इनकी कहानी शाम को प्रतीक के शो में 5 से 8 में। सुट्टा छोड़ दे यार सुनना मत भूलेगा। इसी के साथ आज रचा अनुरोध को इजाजत दीजिए, कुछ ही देर में अनु कपूर आ रहे हैं, आपको सुहाने सफर पर ले जाएंगे। और मैं तो बस एक ही ख्वाब देखती हूँ कि दिल वालों की हमारी दिल्ली में ना हवा का प्रदूषण हो, ना पानी का प्रदूषण हो, ना दिलों में कोई मैल हो, ना लोगों में कोई बैर हो। देखा एक ख्वाब। बाय बाय, टेक केयर।